बागेश्वर जिले में प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र से व्यावसायिक प्रशिक्षण का कोर्स करने के बाद युवक युवतियों का अपने पैरों पर खड़ा होने का सपना साकार हो रहा है। ट्रेनिंग के बाद कुछ युवाओं ने शहर के बाहर जाकर रोजगार हासिल किया तो कुछ ने स्थानीय स्तर पर ही स्वरोजगार की राह पकड़ी और अपनी आर्थिकी मजबूत की। पेश है एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत व्यावसायिक प्रशिक्षण का कोर्स करने के बाद दीपा ने स्वरोजगार को अपना लिया। कोर्स के बाद गृहस्थी के कामों के साथ ही दीपा ने घर पर बुटीक खोल लिया। उनको घर पर ही रोजगार मिल रहा है, आमदनी भी ठीक ठाक होने लगी है। ये जो मुहिम है इससे मैं 5 से 6 हजार रुपए कमा लेती हूँ और आगे को अगर मैं इसी काम को और बढ़ाऊँ तो मैं ज्यादा इनकम भी ले सकती हूँ इससे। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इस तरह की योजनाएं चलती रहनी चाहिए जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। ये हम सब महिलाओं के लिए, हमारी पहाड़ों की जितनी महिलाएं उनके लिए तो बहुत कुछ कारगर है। नीता ने भी दीपा की तरह ही अपनी सिलाई कढ़ाई की दुकान खोल ली है। पहले नीता कुछ भी नहीं करती थी लेकिन अब खुद की सिलाई की दुकान से हर महीने 10 से 15 हजार कमा लेती है। कहती है कि परिवार की आर्थिक स्थिति भी सुधर गई है। सिलाई और कढ़ाई का मतलब सिलाई और कढ़ाई मैंने यहाँ से सीखा, उसके तहत मैंने फिर अपनी एक शॉप खोली जिससे कि आज मैं 8 से 10 हजार तक का इनकम कमा सकती हूँ। और मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद चाहूंगी कि आपके वजह से मतलब हम जैसी काफी अच्छी महिलाओं का आर्थिक स्थितियाँ सुधर रही है। इलेक्ट्रीशियन का काम करने वाले भरत भट्ट भी योजना से खासे खुश हैं। भरत ने भी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत व्यावसायिक प्रशिक्षण का कोर्स किया। भरत को अब एक ओर जहां बिजली की घरेलू फिटिंग का काम मिलने लगा है, वहीं दुकान से सामान की बिक्री भी होने लगी है। मैं पहले भी मैंने काम सीखा था इलेक्ट्रॉनिक का, लेकिन मुझे उतना ज्ञान नहीं था। यहाँ पे आके मैंने अप्लाई में एडमिशन लिया तो एडमिशन होने के बाद यहाँ से मुझे अच्छी खासी नॉलेज हो गई। नॉलेज हुई तो फिर मैंने अपना काम स्वयं खोलेगी। मैंने कहा अपना काम मैं स्वयं खोलता हूँ, जो बाहर जाने से अच्छा है अपना काम स्वयं खोलता हूँ, यहाँ 2 पैसा भी बनने का तो बाहर से अच्छा हुआ, अपना घर है। तो मैंने यहाँ रोजगार खोला। रोजगार खोलने के बाद मैंने जो यहाँ काम किया था उसको मुझे बहुत फायदा हुआ, जिससे मैंने अपने रोजगार में आगे बढ़ता रहा और आज भगवान की दुआ से मैं अपना मतलब महीने में 20 से 25 हजार का आराम से कमा लेता हूँ। और इस प्रधानमंत्री कौशल केंद्र के कारण मुझे जो नहीं आता वो भी काम सीखा और मैं लोगों से विनती करता हूँ कि वो यहाँ आए और काम सीखे, जिसके कारण यहाँ के लोगों को अच्छा खासा रोजगार मिल जाएगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत दिए जाने वाले प्रशिक्षण से जहाँ युवाओं को रोजगार मिल रहा है, वहीं कई बेरोजगार युवा स्वरोजगार कर अपनी आर्थिकी को मजबूत कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, देहरादून।